गुरुवार को आगर से बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन हो गया है। मनोहर ऊंटवाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वहीं दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके कारण बीजेपी में शोक की लहर है। मनोहर ऊंटवाल आलोट से 3 बार विधायक थे, साथ ही उनको प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निकटतम नेताओं में से एक माना जाता था। विगत दिनों पहले मनोहर ऊंटवाल को ब्रेन हैमरेज के चलते इंदौर रेफर किया गया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 4 दिन पहले ही दिल्ली रेफर किया गया था। मनोहर ऊंटवाल के दुखद निधन पर मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेतागण अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार ने भी दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम किया, विस्तारक रहे, बदनावर से पार्षद रहे, आलोट से विधायक रहे, उसके बाद जब आगर भेजा वहाँ से भी विधायक का चुनाव जीते, विधायक रहते हुए सांसद का टिकट दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीते, फिर से आगर से टिकट दिया। आगर में सभी लोग कह रहे थे कि स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि चुनाव हम ही जीते हैं और चुनाव जीते। ऐतिहासिक विकास उन्होंने किया है और हमेशा से कार्यकर्ताओं के लिए संघर्षशील रहे। एक बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी परिवार में हुई है। मैं तो आज के दिन पुनः मांगकर बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि अपने शिष्यों में वास्ते और परिवार में जो आज एक रजघाट हुआ उसको सहन करने की क्षमता। मनोहर ऊंटवाल का जन्म धार जिले के बदनावर में हुआ था। साल 1986 में उन्होंने पार्षद के चुनाव से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। जेएसआर टाइम्स के लिए आगर मालवा से लवकुश बैरागी की रिपोर्ट।